असलम शाह शर बहुत शाम बात करेंगे कुमार के एपिसोड में 45 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा दरअसल समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। वहीं पे फैज का बाप से कहता है मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक हो जाओ और कक्षा भी इस बात पे काफ़ी भड़क जाती है। दरअसल रहीम की काफ़ी तारीफ करता है। वहीं पर दूसरी तरफ आसिफ वो भी सारी बातें सुन लेते हैं काफ़ी परेशान होती है और दूसरी तरफ वो उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ रहीम भाभी आप लोग एक हो जाए। वो कहती है कि मैं वकार से मिलूंगी और देखना चाहती हूँ कि वो किस तरह अपनी जस्टिफिकेशन देता है। वहीं पर उसके भाई से बात करता है कहता है कि सब ठीक होगा परेशान मत हो। वहीं फैज देखता है मुदस्सिर को रहीम के साथ वहां पे उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो सड़क पर जाते हुए साथ देखता है। वहीं वो डॉक्टर से कहता है कि हमें आपकी टांग का ऑपरेशन करके से काटना होगा। वहीं पे अपनी सास से कहती है कि आपको ध्यान रखना चाहिए आखिर नासिर की कमाई कहाँ जा रही है उमरा करके आपको अपने बेटे पे देखना चाहिए। वहीं वो उसने लाइबा से माफी मांगता है और उसे माफ भी कर देती है। दूसरी तरफ वो काफी परेशान होता है और रोते हुए अपनी माँ को सारी हकीकत बयान कर देता है। दूसरी तरफ वो कहता है कि वकास और रहीम दोनों का जिक्र इस घर में नहीं होगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे इस तरह फाइज उसके बाप से बात कर रहा था कि उसने कोई खंजर से नहीं बल्कि मेरे यकीन का खून किया है वो एक कातिल है आपकी बेटी। तो सिर्फ लाइबा से बात करती है वकास और उसे कहती है कि मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है अगर तुम ये सब कुछ कर सकते हो तो मैं भी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो कैक्षा उसकी सारी बातें सुन लेती है। वहीं नासिर को कॉल करके वो कहती है कि मैंने तुम जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है तुम इतने गलीज और इतने बड़े शैतान हो कि मैं तुम मुझे अफसोस होता है कि मैंने अपनी जिंदगी का एक अरसा तुम्हारे साथ गुजारा है। अब देखना है ये आने वाले एपिसोड में क्या होगा क्या अब नासिर फाइज को हकीकत बता देगा या नहीं। आप भी अपनी रिकमेंड के जरिए जो दीजिएगा।